उत्तराखंड के रुद्रपुर में सर्वोदय सांस्कृतिक समिति व लघु उद्योग व्यापार मंडल ट्रांजिट कैंप द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के अध्यक्ष कल्याण सिंह व संयोजक संजीव गुप्ता ने संयुक्त रूप से बताया कि आगामी माह में 10 दिसंबर को पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन फुटबॉल मैदान ट्रांजिट कैंप में किया जाएगा। इस समय पिछली बार तो 11 जोड़ों की शादी कराई थी, इस समय जो है एक लगभग 31 जोड़ों का एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम ट्रांजिट कैंप फुटबॉल मैदान में रखा है। बहुत पिछले साल भी बहुत बड़े स्तर पर बहुत बड़ी संख्या इकट्ठी हुई थी, इस बार भी लाखों लोगों की उसमें सहभागिता रहेगी। पिछड़ी बस्ती से और अति गरीब कन्याएं उनका हम सब लोग इनमें सामूहिक विवाह कराते हैं और समाज के सभी सहयोग से आप सबसे ही सहयोग करते हैं, सरकार से हमें किसी प्रकार की कोई सहायता और सब हम लोग नहीं लेते हैं। ऐसा ये सरकार की तरफ से तो कोई सहयोग मिलता नहीं है, हम लोग समाज के जितने भी लोग हैं सम्रांत लोग हैं वो सब लोग मिलके करते हैं। इसमें तीन तरह का, एक कन्यादान है, जलदान है, विद्यादान है। तीनों तरह से अपना जहाँ पानी की ज़रूरत है, गरीब बस्तियाँ जहाँ पानी नहीं पहुँचाया जा रहा है वहाँ पानी की व्यवस्था करवाते हैं अपने उससे, किसी की ब्याह शादी वगैरह में, और सभी लोगों के सहयोग से करवाते हैं, जितना जिसकी श्रद्धा होती है उस हिसाब से सहयोग करते हैं। और ये इसमें एक चीज़ होती है कि भाई चलो हम सबके सहयोग से किसी का घर बस जाता है, कोई सामाजिक जीवन में आगे बढ़ जाता है।